लो भाई, आजकल के दोस्त भी इतने जल्दी कॉल कहाँ उठाते हैं। कॉल ही नहीं उठाया ना भाई ने। चलो निकलते हैं। वैसे मन कर रहा था बहुत दिनों से यहाँ पे आऊँ, एक राउंड मार लिया यहाँ से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था ऑफिस की वजह से। चलो भैया निकलते हैं। ये लोगो फिर से जाम लग गया यहाँ पर, पुल पे ही सीधा। एक रोहित भाई है हमारे पास में, आपको तो पता ही है, उनको लेकर आने वाला था मैं राइड पर वो पता नहीं कहाँ अटक गए घर के कामों में। ये देखो भैया उल्टे जा रहे हैं। कहीं पे ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं। डालने के लिए भाई अभी पूरा तुम्हारा कंगाल हो गया है। ये देखो अपर डिपर अपर डिपर। चलो ये लाइट भी चालू और ये लाइट भी चालू। दरअसल इसमें होता क्या है, आगे की लाइट जो होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, और ये देखो ये नीचे वाली कंटिन्यू चालू ही रहती है, आगे वाली सिर्फ उसमें ऐड हो जाती है। भैया तुम्हारा खेल रहा है। बस की आवाज अपने बाइक से भी ज्यादा लाउड है। ऐसे बता दू तुम्हारे भैया को, दो दिन से जुकाम लगा हुआ है ट्राफिक की वजह से, अटवा जो हो रहा है, खांसी आ रही है। यहाँ से राइड गए थे थोड़ी देर पहले, तो यू टर्न मार के आए हम लोग। लोग तो भगाने का मौका ही नहीं दे रहे, और भैया राइड कहाँ से करेगा। जुपिटर बहुत अच्छी आ रही है, तो अच्छी है बाकी चलाया नहीं। यार गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। किधर से गिरा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। आज ऐसे ही सोचा थोड़ा सा, अगर निकल गया हूँ मैं पहाड़ तो थोड़े मज़े भी कर लूँ और थोड़ी राइड भी कर लूँ। कुछ काम था एक्चुअली,
का भी ज्ञान मिल जाए ना तो जैसे कि सुपर बाइक जैसे निकलती है यार ये तो। हाँ, पिकअप जबरदस्त है भाई। गला खराब हो गया यार। बस जो इससे ज़्यादा लाउड बाइक होती है ना उसका और एक बेनिफिट क्या है पता है आपको? जब भी कोई भी उसे चलाता है ना ये यार नीचे नीचे आ रहा है, लगता है कि नीचे से होल्डर निकल गया है। कैमरा एंगल ठीक करना पड़ेगा, साइड में रुकते हैं। नीचे वाली रबर निकल गई थी इसलिए कैमरा नीचे 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 आ रहा था। चलो अभी ठीक कर दिया। चलो वैसे मैं सीधा ही ले चलता हूँ आपको। अभी हम आ गए गोल्फ क्लब से सीधा विमान नगर। विमान नगर एक्चुअली एयरपोर्ट है। थोड़ा घना है मेरा हाइट वाला यहाँ लाइट लग गई है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइक का सर्विसिंग करना पड़ेगा। बहुत टाइम से इस बाइक में शोरूम नहीं देखा, शायद इसकी दूसरी सर्विसिंग अभी भी बाकी है। पहली वाली पैड है कुछ शायद 3 सर्विस है फ्री वाले, लेकिन उसमें भी पैसे ले ही लेते हैं। मतलब उनका इंजन ऑयल वगैरह बदलना हो तो, वरना वैसे तो सर्विसिंग फ्री मिलती है। थोड़ा सा इसका एग्जॉस्ट बहुत दिन से दिमाग में है। एग्जॉस्ट बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं एक खुद का अपना ब्लॉग ही बना रहा हूँ, देखते अभी कैसा आता है। ये मेरा शायद बातें करते हुए आपके साथ फर्स्ट वाला ब्लॉग, पता नहीं क्या क्या बात कर रहा हूँ। जो आ रहा है वो बचे जा रहा हूँ बचे जा रहा हूँ। तुम्हारा बात भाई वैसे बातें भी बहुत करते हैं। यार ऐसे मैंने एक बार ट्राई किया था कि FM सुनते सुनते घर पे जाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ध्यान से चला ना वरना आप तो सुनते सुनते सो ही जाओ। ऐसे लाउड बाइक चाहिए इससे। हॉर्न भी बहुत बढ़िया है।
भी बहुत अच्छा। बाहर आ गए तो यहाँ पे कुछ सामान भी दिखना शायद चालू हो गया है शायद से। पता है मैं इंजन फील कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा टॉर्क चला सकता हूँ उतना ज़्यादा टॉर्क में चला की कोशिश कर रहा हूँ। बस राइडिंग बोलते हैं इसको, राइडिंग। यहाँ ये क्या है, ब्लू लाइटें जली हुई है, होटल है ये। चलो अच्छा गाइज, निकलते हैं अभी यहाँ से। तुम्हारा भाई एक्चुअली कुछ भूल गया था। चलो ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्स पहनना भूल गया था। चलो अभी घर चलते, सीधा जाएंगे होम स्वीट होम। ये कैसा रास्ता क्रॉस कर रहा है भाई, ये तो बीच में ही गाड़ियाँ लगाई हुई है। उसके साथ